Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good morning. Hello friends, welcome to wifistudy, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel wifistudy में. तो सबसे पहले आप सभी को good morning. और कैसे हैं आप सभी? चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था मास, वेट एंड डेंसिटी में. कल हम स्टार्ट ही करने वाले थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बट टाइम कम होने की वजह से हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए थे. आज उसको पूरा करते हैं. और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग किसी भी कोई भी बॉडी का जो रिलेटिव डेंसिटी है, यानी आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं, वो भी देखेंगे. ठीक है, कई बुक में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी डिप्लोमा में बहुत बार आता है, तो मैं पूरा ही आपको करवा दूंगा. ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करवे. और एक अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फिजिक्स और मैथ्स का क्या प्लस कोर्स ओनली हिंदी में, क्या हिंदी में नहीं है, बाइलैंग्वल है वो. ठीक है, सारी चीजें बाइलैंग्वल है. चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों. हेडिंग डाल लीजिए आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल. कल हम लोग हेडिंग डाल चुके थे और आपकी कॉपी में डली भी होगी, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं. ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने आपको बोला था, लेट सपोज आपके हाथ में कोई एक वस्तु रखी है, कोई भी एक बॉडी रखी है. ठीक है दोस्तों, लेट सपोज उसका द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो कितना है दोस्तों, स्मॉल m है. और मान लीजिए इसका जो अमाउंट है वो है 5 किलो की कोई चीज आपके हाथ में रखी हुई है. क्लियर दोस्तों, ये हवा की बात कर रहा हूं मैं. कहां की बात कर रहा हूं, एयर. ये अभी कहां पर है अपन, एयर में. कोई भी बॉडी, जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे रख रखी है मैंने हाथ में और इसका द्रव्यमान 5 किलो है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जो इसका जो भार होता है, जो इसका वेट होता है दोस्तों, कहां पर ऐड करता है, नीचे, बिल्कुल नीचे ऐड करता है. ठीक है, नीचे ऐड करा. और उसका जो वेट होगा, जो इसका वेट होगा दोस्तों, जो इसका भार होगा, वेट होगा कितना होगा दोस्तों, आप जानते हैं एम जी. वैसे तो जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एक बार आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिए. ठीक है, ऐसे मान लीजिए. तो इधर दोस्तों आपको पता है 5 × 10 यानी 50 न्यूटन का आपके इधर नीचे फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, हम लगते हैं ना कोई चीज नीचे लेके जा रही, कोई भी चीज पकड़ते हैं कोई भी चीज, तो अपन को अपना जो हाथ होता है स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ता है, वरना ये चीज नीचे आ जाएगी. क्यों? क्योंकि इतना फोर्स लग रहा है, इतना वेट लग रहा है. ठीक है दोस्त, अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई चीज है, कोई सरफेस है. ठीक है, ये कोई सरफेस है और ये पानी भरा हुआ, ऊपर क्या है, पानी भरा हुआ है. ये क्या भरा हुआ दोस्तों, पानी ही भरा हुआ है. पानी भरा हुआ है, मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, ये वही पानी के सरफेस है, ये पानी की क्या दोस्तों, सतह है. अब ये अपना हाथ है जो आप पानी में ले गए. ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज थी, अब ये हाथ आप कहां ले गए दोस्तों, पानी के अंदर ले गए. ये क्या है, पानी है, वाटर है. ये क्या है दोस्तों, वाटर है. अब ये चीज आप कहां ले गए, वाटर में ले गए. तो मुझे चीज बताइए, अब ये चीज आपको हल्की लगेगी, अब आपको ये चीज ऐसे हल्की लगेगी, भारी लगेगी, जल्दी से बताइए, हल्की लगेगी या भारी लगेगी, हल्की लगेगी या भारी लगेगी, लाइट लगेगी या फिर और हैवी लगेगी. यदि ये चीज आप अपनी जो बॉडी है, जो पहले तो नीचे वेट लग रहा था, ठीक है, भार लग रहा था, अब ये जैसे पानी में डालोगे आपको चीज हल्की लगेगी भारी लगेगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए. बताइए जल्दी, हल्की लगेगी. ठीक है, भारी कैसे लगेगी दोस्त, कोई चीज आप जैसे मान लो कुछ भी चीज रख लो, 1 किलोग्राम का वाट रख लो, कुछ भी रख लो, जैसे आप एक तो हवा में रखोगे और जैसे पानी में रखोगे, तो आपको चीजें हल्की लगाई देती है. ठीक है, तो देखते हैं हुआ क्या होगा दोस्तों. ये कोई आपकी बॉडी होगी, ये कोई भी एक बॉडी मान लो ये. ठीक है, ये कोई एक बॉडी होगी, ये कोई दोस्तों एक बॉडी होगी. ठीक है, लोहे की कोई एक बॉडी होगी, ये आपकी एक बॉडी थी, ये कोई वस्तु थी. तो हुआ क्या होगा, जो एयर में क्या लग रहा था दोस्तों, इसके ऊपर वेट लग रहा था, इसके नीचे कौन सा लग रहा था, वेट लग रहा था. ठीक है,
अब इसको हल्की क्यों लग रही होगी हमको, क्योंकि जो नीचे डाउनवर्ड साइड में जो पहले फोर्स लग रहा था वो कौन सा लग रहा था, W। पहले पहले क्या हो रहा था, पहले का मतलब दोस्तों एयर की बात कर रहा हूं, मैं एयर की बात कर रहा हूं, पहले क्या हो रहा था नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा था कौन सा लग रहा था, W लग रहा था। अब आपको हल्की लग रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोस्तों जो नीचे की साइड जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, वो थोड़ा कम लग रहा होगा। जब भी हो सकता है तो कम लग रहा है, कैसे लगता है, तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट आता है बायंसी फोर्स का, यानी उत्प्लावन बल का। होता क्या है दोस्तों कि जैसे ही आप बॉडी किसी पानी में रखते हो, तो जो नीचे जो फोर्स लग रहा था दोस्तों कम लग रहा होता है, जब भी तो हल्की लगती है, तो कम कब लगेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही पानी में रखते हैं तो ऊपर की साइड, ऊपर की दिशा में एक बल कार्य करता है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, और उसी फोर्स को बोलते हैं बायंसी फोर्स। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स या फिर उत्प्लावन बल। इसको डिनोट कर रहा हूं मैं FB से, इसको बोलते हैं बायंट फोर्स भी बोल सकते हैं, बायंट फोर्स बोल सकते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। अब आपको हल्की क्यों लग रही है, क्योंकि पहले जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, पहले का मतलब जो एयर में बात कर रहे थे, नीचे की तरफ, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था दोस्तों, नीचे यानी डाउन साइड कौन सा फोर्स लग रहा था, W। और अब बाद में की बात कब कर रहे हैं दोस्तों, पानी में, वॉटर में। ठीक है, वॉटर में कितना लग रहा है दोस्तों नीचे की साइड, W-FB। ठीक है, W-FB। FB क्या है, बायंस फोर्स है, ये क्या है, उत्प्लावन बल है दोस्तों। ये माइनस वाली चीज जैसे बढ़ेगी इसलिए तो कम हुआ, पहले तो W था, W का मान लो 50 है, अब 50 में से आपने कुछ घटा दिया तो ऑब्वियसली जो नीचे फोर्स लग रहा था कितना हो गया दोस्तों, कम हो गया। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ गया बायंस फोर्स का। ठीक है, आप बोलोगे बायंस फोर्स का आ तो गया, बट बायंस फोर्स होता क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, निकालेंगे कैसे बताइए। बायंसी फोर्स भी बोल सकते हैं, बायंट फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है दोस्त, तो अब जो लग रहा है W-FB, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है दोस्तों, ध्यान से समझो। पहले ये जब बॉडी पानी के अंदर नहीं आई थी तो इस जगह सब जगह क्या था, पानी था, सब जगह क्या था दोस्तों, पानी था, सब जगह क्या था, पानी। ध्यान से समझना, जब ये बॉडी पानी के अंदर नहीं आई सब जगह क्या था, पानी। जैसे ही बॉडी पानी में आएगी तो ये जो बॉडी है आपकी, ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो बॉडी है आपकी, ये बॉडी है, ये पानी की जगह ले लेगा, क्योंकि पहले पानी पानी भरा हुआ था भाई। पहले आपने जैसे ही मान लो रिमोट है, आप पानी के अंदर डालोगे तो पहले तो पानी पानी था, तो जैसे ही रिमोट आ जाएगा तो अब ये रिमोट की जगह क्या हो जाएगा, पहले पानी पानी था, अब उस जगह रिमोट 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 आ गया उस जगह, तो जो इसकी जगह जो पानी था दोस्तों कहीं दूर चला होगा, विस्थापित हो गया होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया होगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि जब हम किसी बॉडी को किसी पानी में डालेंगे, किसी भी लिक्विड में डालेंगे, तो ये कुछ अमाउंट का फ्लूइड, कुछ मात्रा का ये तरल पदार्थ, यानी कुछ मात्रा का द्रव क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, कुछ अमाउंट का जो फ्लूड है ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और उस डिस्प्लेस्ड फ्लूड के वेट को ही क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स। उस विस्थापित द्रव के, उस विस्थापित द्रव के भार को ही क्या बोलते हैं, बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो बायंस फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों आपसे, बायंट फोर्स या फिर उत्प्लावन बल, ये क्या हो जाएगा, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ठीक है, तो आप भी जानते हैं भार क्या होता है, मास इंटू Gmg होता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम, विस्थापित द्रव यानी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की। बताइए इतनी चीज क्लियर। बात आती है सर ये मास कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास भार गया, जो हमारे पास जो भी वाटर भार गया थोड़ी डिस्प्लेस हुआ, उसका मास कैसे निकालेंगे, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर कि बायंसी फोर्स क्या था, विस्थापित द्रव के भार के बराबर। अब चलते हैं आगे, देखिए आगे ऐसे समझते हैं दोस्तों कि लेट सपोज ये आपका क्या था, एक स्प्रिंग तुला है, स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग मेजर करने की मशीन है, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस है, वेट मेजर करने की मशीन है, कैसे करता है दिखाता है। इसमें क्या था दोस्तों, से रीडिंग्स बनी होती है, इसमें क्या होती है, रीडिंग्स बनी होती है, देखिए ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ लटका हुआ होता है, और जैसे हम कुछ भी वस्तु इस पर लटकाएंगे तो ये जो इसकी सुई है घूम जाती है और बता देती है 20 न्यूटन का फोर्स है, कितना है वो अपना उसका भार बता देगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों। एक चीज मुझे बताइए, लेट सपोज ये कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु हमने लटका रखी है, कहां की बात हो रही है, एयर की बात हो रही है, कहां की बात हो रही है, हवा की बात हो रही है, तो इधर जो सुई ने जो रीडिंग दिखाई तो उससे हमारे पास आया W1, यानी इस वस्तु का
इस वस्तु का भार कितना है दोस्तों, वस्तु का भार कितना है W1, इसका वेट ऑफ बॉडी कितना है, वेट ऑफ बॉडी कितना हो गया दोस्तों W1। ठीक है, अब आपने क्या करा फ्रेंड्स, अब आपने क्या करा, सेम वस्तु है सेम बॉडी है, अब आपने इसको पानी में डुबो दिया। अब क्या करा दोस्तों, ये पहले पानी था, इसमें क्या था दोस्तों पानी था, इसमें क्या था फ्रेंड्स पानी था। अब आपने ये जो सेम चीज है, जो सेम बॉडी है, अब आपने क्या कर दिया दोस्तों, एक कंटेनर है, डब्बा है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, उसमें डुबा दिया। तो जो आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होगा, ठीक है, अब मुझे बताइए दोस्तों, अब मुझे बताइए कि इससे जो कुछ लटका हुआ था एक ये, अब ये जैसे ही आप इसमें डालोगे, जैसे ही आप इसमें डालोगे दोस्तों, जैसे ही आप इसमें डालोगे दोस्तों, ठीक है, जो उसका भार बताएगा, जो उसका भार बताएगा दोस्तों, कम बताएगा या ज्यादा बताएगा, भाई पहले तो मान लीजिए, पहले W1 इक्वल टू मान लीजिए पहले 10 न्यूटन बता रहा था, पहले कितना बता रहा था दोस्तों 10 न्यूटन बता रहा था, अब बताइए मुझे कम बताएगा ज्यादा बताएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, कम बताएगा ज्यादा, कम बताएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि इधर जैसे ही पानी में आ गया, ये बॉडी जैसे ही पानी में आई, ये कुछ अमाउंट का फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी और तो डिस्प्लेस करेगी दोस्तों, फोर्स आएगा बायंसी फोर्स, तो ऊपर की साइड दोस्तों क्या जाएगा, एक बायंसी फोर्स, और नीचे जो वेट और वेट जो आ रहा था जो भी, तो जो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड कितना हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ बी। अब माना कि अब जो ये रीडिंग बता रही है, पहले तो रीडिंग बता रही थी दोस्तों 10 न्यूटन की रीडिंग बता रही थी, अब जो ये रीडिंग बता रही है मान लो दोस्तों 6 न्यूटन की रीडिंग बता रही है, 6 न्यूटन की रीडिंग बता रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें बायंसी फोर्स कितना लगा होगा, उत्प्लावन बल कितना होगा। पहले जो स्प्रिंग बैलेंस था ये रीडिंग बता रही थी 10 न्यूटन की, अब जैसे ही आपने इसमें डाला, अब दोस्तों ये जो मशीन है, जो स्प्रिंग बैलेंस है, वो रीडिंग बता रही है 6 न्यूटन की, तो मैं बोल रहा हूं बायन फोर्स कितना होगा या फिर उत्प्लावन बल कितना होगा बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, जो बोल रहे हैं ये सब नहीं पूछेगा, अरे जो पूछेगा सब बताऊंगा, पहले पढ़ तो लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। हाँ बहुत ही बढ़िया, तो दोस्तों बाय एंड फोर्स कितना आ जाएगा 4 न्यूटन का, यहां पर जो बाय एंड फोर्स आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले 10 इधर लग रहा था, ठीक है, तो आपको पता है 10 इसका जो वेट है कितना है 10 न्यूटन है, तो 10 अब 6 कैसे बता रहा है, जरूर 4 का ऊपर लगा होगा, और आपको पता है बाय एंड फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो कितना हो गया 4 न्यूटन, तो बाय एंड फोर्स क्या हो गया दोस्तों 4 न्यूटन। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर, आगे चलते हैं। देखो बाय एंड फोर्स का एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोल दी, बाय एंड फोर्स होता क्या है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है, यानी विस्थापित द्रव का भार, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज क्या है, बाय एंड फोर्स ऑलवेज एक्ट एट सेंट एक्ट अपवर्ड साइड एक्ट बाय एंड फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपवर्ड साइड, ठीक है, जो उत्प्लावन बल है हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, हमेशा ऊपर की तरफ लगता है। क्लियर दोस्तों, चले आगे, दो पॉइंट है इसके, अब बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, लेट सपोज दोस्तों कि ये आपके पास कोई एक बॉडी थी, कोई भी एक वस्तु थी, मान लीजिए एक वस्तु थी लोहे की वस्तु थी, ठीक है दोस्तों, ये किसकी वस्तु है, लोहे की एक वस्तु है, लोहे की एक वस्तु है, लोहे की है, ये किसका है दोस्तों, आयरन, आयरन की कोई बॉडी आपके पास, लोहे की कोई वस्तु है, ध्यान से समझना, ठीक है, इसको 3D में मनाओ, इसको 3D में मनाओ, मुझे ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोस्तों। 3D में एक बॉडी है और इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, मान लो आप, मान लो 2 मीटर क्यूब है, मान लीजिए 2 मीटर क्यूब है, ठीक है, इस बॉडी का जो वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब है। मैंने क्या बोला, आपने इसको डाला पानी में, आपने दोस्तों इसको डाला पानी में, ठीक है, आपने इसको डाला पानी में, इस बॉडी को लाके दोस्तों डाल दिया पानी में, आपको पता है अगर पानी पूरा भरा हुआ है यहां तक दोस्तों, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है,
और आपने इसको डाल दिया पानी में लाके, और कुछ जो पानी है दोस्तों हमने पानी को यहां से निकाल लिया बाहर, और यहां पर कुछ मान लो एक वो लगा दी, जैसे बंद कर देते ना किसी चीज को तो कर दी, तो जैसे ही आपने इस बॉडी को पानी में डाला, ध्यान से समझना दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही पानी में डाला तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा, विस्थापित हो जाएगा भाई, को कितनी जगह ही नहीं, पानी हमने जो भी पानी बाहर आया दोस्तों ये इधर आ गया, ठीक है, वो दोस्तों इधर आ गया। मैंने बोला इस पानी का जो भी पानी बाहर आया, जो भी पानी आया तो इस पानी का जो भार है, जो इस पानी का वेट है, ये क्या है, वेट ऑफ वाटर है दोस्तों, वो है 20 न्यूटन है। कितना है? 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। जो भी ये पानी आया इसका जो भार है, इसका जो वेट होगा दोस्तों, जैसे जो पानी आया आप तोलोगे स्प्रिंग तुला में, जो इसका वेट आया 20 न्यूटन है। मैं पूछ रहा हूं मुझे बाय एंड फोर्स की वैल्यू बताओ, बाय एंड फोर्स बताइए यानी उत्प्लावन बल बताइए जल्दी, 20 न्यूटन है, ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो रोजिना कमेंट आते हैं क्लास किसके लिए यूजफुल है, मतलब यार 20-25 दिन बाद आपका एग्जाम है, आपको ये नहीं पता पड़ रहा कि पढ़ना क्या है कौन सा ये, अरे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपने कोई सी भी ट्रेड भरी हो, कोई सी भी, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, जैसे ही कोई बॉडी किसी द्रव में आएगी वो कुछ अमाउंट का फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगी, ठीक है, कुछ अमाउंट का जो इसमें लिक्विड था वो क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और उस विस्थापित द्रव के भार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के जो वेट है दोस्तों उसी को बोलते हैं बाय एंड फोर्स। तो आपको पता कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ, हमने इसे कांच के बीकर में निकाल लिया और उसका जो भार होगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, बाय एंड फोर्स। क्लियर, आई थिंक आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ये है कि कोई बॉडी है, ठीक है, आपने इसको दोस्तों पानी में डाल दिया, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं, ध्यान से समझना, ये पानी भरा हुआ है आराम से, ठीक है, कोई बाहर आने के कोई चांस नहीं है, पानी यहां तक ही भरा हुआ है, क्लियर दोस्तों, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब दे पाएंगे, आप देख लेना। ये भाई बॉडी है, बॉडी को आपने डाल दिया पानी में, और पानी का जो घनत्व दे रखा है दोस्तों 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो वाटर की जो डेंसिटी दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है दोस्तों, आपने ध्यान से समझना, आपने इसको लाके इसमें डाल दिया, आपने इस बॉडी को लाके इसमें डाल दिया, मुझे बताइए बाय एंड फोर्स कितना होगा, यानी उत्प्लावन बल कितना होगा, देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं, उत्प्लावन बल कितना होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें आपको एक डाउट आना चाहिए और वो ही डाउट मैं आपसे वो करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप में वो पूछे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सारे करा दूंगा, पूरे कौन से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा मैं, अभी मैं लेके भी अभी दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले बाय एंड फोर्स समझो, ठीक है, जल्दी से बताइए दोस्तों, 1000 होगा, 0 होगा, 1000 होगा, 1000 होगा, बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे और आप गलती करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप चीजें रटना चाहते हो, आप चीजें समझना नहीं चाहते, आपको कितना भी कॉन्सेप्ट से समझा लो, ये जो बाय एंड फोर्स है ना, आप यूट्यूब पर डाल लेना बायंसी एंड फ्लोटेशन, गेट और आइस को 4-5 क्लास में हुआ है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जो चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट से सिखाना चाह रहा हूं, चीजें समझ नहीं चाह रहा, रटना चाह रहा, कोई बोल रहा 200 होगा, कोई 0, मतलब हवाओं में बात कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, एक का भी नहीं आया ढंग से, मास कितना होगा, वेट नहीं पता है, जो चीज आपको इसमें जरूरी है वो कोई नहीं पूछ रहा, वो कोई नहीं पूछ रहा, बाकी सब हवा में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो दोस्त, जैसे ही आप ध्यान से समझ लो, अभी इधर जैसे ही ये बॉडी आप पानी में डालोगे, इस फ्लूइड में डालोगे, किसी लिक्विड में डालोगे, तो ये फ्लूइड क्या होगा दोस्तों, विस्थापित होगा, डिस्प्लेस्ड होगा, ये जो द्रव है दोस्तों विस्थापित होगा, अरे हाँ या नहीं, और उस विस्थापित द्रव के भार को ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा, उसी के वेट को क्या बोलते हैं दोस्तों, बाय एंड फोर्स, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाय एंड फोर्स की ये पता है कि वेट ऑफ
displaced fluid, ठीक है, यानी विस्थापित द्रव का भार। अभी आएगा देखो मजा, विस्थापित द्रव का भार, और भार आप जानते हैं क्या होता है, mg। बात करते हैं सर इसका द्रव्यमान हम लोग कैसे निकाले, सॉरी हाँ इसका मास कैसे निकाले, इसका द्रव्यमान कैसे निकाले। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कल आपको बताया था डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम होता है या नहीं होता, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है सर हम लोग निकाल लेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। किसकी बात हो रहा है दोस्तों, ये डिस्प्लेस्ड फ्लूड की, डिस्प्लेस्ड फ्लूड के मतलब विस्थापित द्रव की बात हो रही है, विस्थापित द्रव का, ठीक है, यानी जो भी डेंसिटी भी लिखेंगे वो भी विस्थापित द्रव की, आयतन लिखेंगे वो भी विस्थापित द्रव का, और जो जी लिखेंगे दोस्तों वो भी विस्थापित द्रव का, ठीक है भाई। मैंने बोला, आप बोलोगे सर हमको जी पता है, कोई दिक्कत नहीं है, दस पता है आपको, इसका घनत्व पता है, जो विस्थापित द्रव विस्थापित वो कौन सा द्रव है, वो वाटर ही, तो वाटर की डेंसिटी कितनी देर की 1000। आप बोलोगे सर हमको ये पता है, ये लिख दिया मैंने 1000, और ये जी की वैल्यू भी आ जाएगी 10। अब इस वॉल्यूम का क्या करूं, वॉल्यूम का क्या करें, वॉल्यूम कहां से लाए बताओ, वॉल्यूम बहुत आपको चीज सिंपल दिख रही है, बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक है, कौन से समझ गए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए क्या दिक्कत है, वॉल्यूम कहां से लाओगे मुझे बताओ, वॉल्यूम कहां से लाओगे आप, वॉल्यूम कहां से लाओगे बताइए। डेंसिटी मैंने बता रखा है, वॉल्यूम कहां से लाओगे मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। आंसर निकालना भी स्टार्ट कर दिया, अरे आंसर आएगा ही नहीं, ऐसे आ जाएगा क्या आंसर, वॉल्यूम कहां से, वॉल्यूम क्या रख दिया आपने मुझे, मुझे भी बता दो आपने क्या आयतन रख दिया। बहुत ही बढ़िया, ये टॉप एंटरटेन प्रोडक्शन जी बता रहे हैं, शायद इन्होंने मेरे गेट और आईएएस की क्लास में भी सारे आते हैं तो थोड़ा सा नाम दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो इस बॉडी का, जो इस वस्तु का, भाई एक चीज मुझे बताओ कि ये पानी की, ये कुछ भी एक वस्तु है, कुछ भी एक बॉडी है, ये आपने पानी में डाला तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगा, कितना द्रव विस्थापित करेगा, जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो करेगा भाई, क्योंकि पहले इसकी जगह क्या था, द्रव था, पूरा लिक्विड था, अब उसकी जगह ये जाके बैठ गया, तो यानी जितना इसका आयतन है उतना ही इसने फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करा होगा। तो दोस्तों वॉल्यूम कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्लियर। बस ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा था, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि ये जो जितना वॉल्यूम, जितना आयतन इसका होगा उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा, इतना तो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, चीजें समझ में आई, जल्दी से बता दीजिए, बहुत ही बढ़िया, क्लियर। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, ये चीज मैंने आपको बता दी, एक बार किन्हीं को दिक्कत आए तो वीडियो को वापस देख लेना, सारी चीजें आ जाएगी, क्लियर दोस्तों, समझ में। बस यहां पर चक्कर पड़ रहा था कि वॉल्यूम कहां से निकाले, तो मैंने बोला कि विस्थापित द्रव का वॉल्यूम कैसे निकाले, एक तो ये था कि हम लोग बाहर निकाल ले उसको, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैंने बोला उतना ही डिस्प्लेस्ड करेगा जितना इसका जो बॉडी होगा उसका वॉल्यूम होगा, बताइए, क्लियर। थम्स अप कर दीजिए एक बार जल्दी, सब थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एन ऑफ अ सॉलिड बॉडी विच इज डेंसर देन वाटर, ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोल सकते हैं, किस ठोस का पानी से भारी, किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व निकालना, क्लियर। बॉडी के पोजीशन पर बाय एंड फोर्स का इफेक्ट होगा क्या, नहीं, देखो एक्चुअल में होगा क्या, देखो एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये बॉडी है, मतलब ये कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ था, इसमें वाटर भरा हुआ था, ठीक है, ये बोल रहा है बाय एंड फोर्स का बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करेगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एक तो आपने यहां पर डुबाई, एक तो दोस्तों आपने यहां पर डुबाई और एक यहां पर डुबाई, ठीक है, सेम, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, बाय एंड फोर्स सेम रहेगा, बाय एंड फोर्स क्या होता है, ये यहां पर भी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगा जितना यहां पर कर रहा था,
चीजें समझ में आ रही है, ये यहां पर भी उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगा जितना यहां पर कर रहा था, क्लियर। वो बात अलग है, अगर ये एक तो बिल्कुल इधर हो और एक बिल्कुल यदि डूब रहा हो, मतलब पूरा डूब नहीं रहा, फ्लोट कर रहा हो, ये क्या तैर रहा हो, तब कितना करेगा, क्योंकि जितना डूबा हुआ दोस्तों उतना ही तो डिस्प्लेस्ड करेगा, तब दोनों की कंडीशन में अलग अलग होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बट अगर पूरा डूबा हुआ है तब तो चाहे यहां पर हो, 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 सब जगह क्या होगा, बाय एंड फोर्स की जो वैल्यू आएगी बराबर आएगी। बट पूरा नहीं डूबा हुआ है, एक पूरा डूबा हुआ है, एक आधा डूबा हुआ है, तो ये कितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड करेगा, आधा डूबा हुआ है और ये पूरा डूबा हुआ है दोस्तों, चीजें समझ में आ रही है, बताइए। चलो मैं इस हेडिंग पे वापस आता हूं, पहले एक चीज और लिख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, ध्यान से देखिए, ये कंटेनर में वाटर डूबा हुआ है, वाटर डूबा हुआ क्या है, वाटर रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। मुझे बताइए ये बॉडी है, ठीक है, इस पे जो बायंसी फोर्स लग रहा है दोस्तों ऊपर लगता है, आपको पता है बायंस फोर्स हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, और इस बॉडी का जो वेट है दोस्तों मान लीजिए नीचे, जो बॉडी का वेट है दोस्तों क्या है, नीचे। यदि वेट, यदि इस बॉडी का वेट, यदि इस बॉडी का क्या दोस्तों भार हो, वो बाय एंड फोर्स से ज्यादा हो तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। उत्प्लावन बल से ज्यादा होगा, बाय एंड फोर्स से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पहली कंडीशन ये, जल्दी से बताइए दोस्तों। दूसरी मैंने बोला कि यदि जो वेट ऑफ बॉडी है, वस्तु का भार, वस्तु का भार, या फिर आप बोल सकते हैं वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, यदि वेट ऑफ अ बॉडी, वस्तु का भार अगर बाय एंड फोर्स से कम है तो क्या होगा। तीसरी कंडीशन मैंने पूछी दोस्तों कि अगर जो वस्तु का जो वेट है वो बाय एंड फोर्स के बराबर होगा तो क्या होगा, अपना कॉमन सेंस लगा के बताइए। पहले का आंसर क्या होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आंसर दीजिए, किसमें डूबेगी, किसमें तैरेगी, किसमें सतह पर रहेगी, बताइए। देखो पहली में पता है दोस्तों जो भार है वो ज्यादा है, ये ज्यादा है, नीचे की साइड फोर्स ज्यादा लग रहा है, ऊपर की कम लग रहा है, तो बिल्कुल नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा या फिर सिंक हो जाएगा, इट विल सिंक डाउन, सिंक हो जाएगा दोस्तों, सिंक यानी डूबना, क्लियर दोस्तों। बात करते हैं इस वाले केस की, पहले तीसरे केस की बात करता हूं, फिर दूसरे पे आता हूं। तीसरे केस में क्या है दोस्तों, जो वेट लग रहा है, जो वेट लग रहा है वो बाय एंड फोर्स के बराबर हो, तो ना नीचे की साइड कोई फोर्स लग रहा, मतलब नीचे की साइड फोर्स लग रहा है उतना ही ऊपर की साइड लग रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, जब नीचे की साइड फोर्स जितना लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा है तो क्या होगा, ना ये नीचे ले जाने दे रहा ना ही ऊपर ले जाने दे रहा, तो क्या रह जाएगा, ये फ्लोट करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, फ्लोट करेगा, तैरेगा, ये क्या करेगा फ्रेंड्स, फ्लोट यानी तैरना, ठीक है। ये क्या है, यदि इसमें बात करेंगे तो ये ना सिंक करेगा ना फ्लोट करेगा, ये जैसे आप डूबाने की कोशिश करोगे दोस्तों, जैसे आप डालने की कोशिश करोगे, आपको कई बार होता है ना कोई चीज होती है, कोई तो इजीली डूब जाती है और कोई अगर आप डूबाने की कोशिश करोगे ऊपर मारेगा, तो उसमें क्या दोस्तों बाय एंड फोर्स ऊपर, जो ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर कूदेगा, वो क्या होगा, ऊपर कूदेगा, ठीक है। तो तीन कंडीशन ये थी, तीनों मैंने आपको बता दी, आगे चलते हैं, अब सेम उस पे, इस पे चलते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था, यानी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखो फ्रेंड्स एक्चुअली जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, इधर देखो रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व, इसका दूसरा नाम मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स आपेक्षिक घनत्व का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, और बायंसी एंड फ्लोटेशन का आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाना है कि देखो आप इंजीनियरिंग लेवल पे जाओगे तो आपको होता है सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, शिप कैसे चलता है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, लेकिन इस लेवल पे आपको जरूरी नहीं, अगर फिर भी आप देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर डाल लेना बायंसी एंड फ्लोटेशन वाईफाई स्टडी, या फिर मेरा नाम भी डाल सकते हैं आपको आ जाएगा, बट उस लेवल पे आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारा मैं कवर कर रहा हूं जो डिप्लोमा लेवल का है स्पेसिफिक। हाँ मैं ये देख रहा था दोस्तों जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, शायद मैंने उस दिन गलती से स्पेसिफिक डेंसिटी बोल दिया था, मेरे को याद नहीं है, तो इसका होता है रिलेटिव डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो आप लिख लेना स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व, क्लियर दोस्तों।
अब बात करते हैं ये क्या होता है। अब हम किसी सॉलिड का निकाल रहे हैं, किसी सॉलिड का निकाल रहे हैं, ध्यान रखना किसी ठोस का निकाल रहे हैं। मैंने क्या लिखा, पानी से भारी किसी ठोस का। कैसे निकालते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं। इसी प्रिंसिपल का यूज करके कैसे किसी बॉडी का आपेक्षिक घनत्व हम लोग निकाल सकते हैं, तो सारी चीजें निकालेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसी ठोस का, किसी सॉलिड का जो पानी से ज्यादा भारी, मतलब पानी में डूब जाए। पानी में क्या दोस्तों, डूब जाए। ऑब्वियसली भाई जैसे मान लो आइस है, आइस क्या होती है, पानी से कम डेंसर होती है, लाइट होती है, उसका जो घनत्व होता है पानी से कम होता है, इसलिए पानी पर डूबता नहीं है। पहले हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग पहले किसकी निकाल रहे हैं, ऐसे सॉलिड की, ऐसे ठोस की जो पानी में डूब जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज है रिलेटिव डेंसिटी को अपेक्षित घनत्व बोलते हैं हिंदी में, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व। तो होता क्या है, ये क्या होता है, ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व बटे पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, और यही कितना होता है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर, या फिर हिंदी इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे दोस्तों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट, ध्यान से मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब कुछ भी इतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। आपने अगर बायंसी फोर्स ढंग से समझ लिया तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर करते हैं, विशिष्ट गुरुत्व जो भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी देखो, ये बोलता है रिलेटिव जो डेंसिटी होगी इसने, देखो एक बार आराम से समझो, प्यार से समझो। इधर देखो, ये आपका दोस्तों मुझे बताइए स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग तुला है, आपने कोई चीज लटकाई, कोई वस्तु लटकाई दोस्तों, ये बताइए W1 है, इसका जो भार लग रहा है दोस्तों W1 है, इसने जो रीडिंग बताई कितनी बताई W1। क्लियर, कहां की बात हो रही है, एयर की, ध्यान से समझना फ्रेंड्स। अगर यही चीज ये स्प्रिंग तुला से यही चीज आप किसी पानी में नापो, ठीक है, इसको किसी पानी में पटक दिया, इसको किसी दोस्तों पानी में पटक दिया, आपने किसी पानी में पटक दिया दोस्तों, ठीक है, आपने किसी पानी में पटक दिया, और अब जो इसका जो वेट बता रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग तुला होता है क्या मापने के लिए काम में आता है, भार मापने के लिए, किसके लिए, किस क्या मेजर करता है, वेट। तो अब जो ये वेट बता रहा है दोस्तों, लेट सपोज W2 है, अब जो W2 है, पहले मुझे बताइए W1 ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन है W1 ज्यादा होगा W2 से, या W2 ज्यादा होगा W1 से, या फिर दोनों बराबर होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, देखिए आपको पता है अभी जो नीचे के, अभी जो डाउनवर्ड साइड फोर्स लग रहा है, अभी जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है दोस्तों W1 बता रहा है ये वेट, बट क्या होगा दोस्तों, अब क्या होगा, आपको पता है ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स हो जाएगा, ठीक है, बायंड फोर्स, क्योंकि जैसे ही पानी में डालोगे दोस्तों कुछ ना कुछ द्रव विस्थापित करेगा 100% है, और उस विस्थापित द्रव का भार क्या होता है, उत्प्लावन बल, ये भी पक्का है, और उत्प्लावन बल कहां लगता है दोस्तों, ऊपर की साइड लगता है। तो जो अब वेट बताएगा दोस्तों क्या होगा, कम बताएगा, ठीक है, अब जो वेट बताएगा दोस्तों कम बताएगा। क्लियर, तो आपको पता है W1 इज ग्रेटर देन W2। तो रिलेटिव डेंसिटी से कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी होता है दोस्तों, पहले हम लोग कैसे निकालते हैं, यदि किसी सॉलिड का निकालना है तो पहला प्रोसीजर क्या है, अगर इस सॉलिड बॉडी का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इसका हवा में भार देख लेते हैं, ठीक है, तो लेट सपोज वेट ऑफ बॉडी इन एयर W1 है, ठीक है, किसी भी बॉडी का क्या है, हवा में भार कितना है दोस्तों, W1 है। क्लियर, अगर बात करें वेट ऑफ बॉडी इन वाटर यानी पानी में भार कितना है दोस्तों, मान लीजिए W2 है, पानी में भार कितना है दोस्तों, W2 है, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले W1 था दोस्तों, अब W2 है, आपको पता है W1 W2 से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही पानी में डालोगे नीचे बायंड फोर्स भी लगेगा, जिसके कारण जो वेट होगा उसका कम हो जाएगा, जब तो चीजें हल्की लगती है। तो कितना लॉस हुआ दोस्तों, लॉस ऑफ वेट इन वॉटर, कितना लॉस हुआ, कितने का नुकसान हुआ, आपको पता है दोस्तों W1 माइनस W2, भाई W1 था, जैसे ही पानी में डाला W2 रह गया, कितने का लॉस हुआ, W माइनस W2। क्लियर, तो इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन W1 माइनस W2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। W1 क्या है दोस्तों,
वेट इन एयर, हवा में बाहर, वेट इन एयर यानी हवा में बाहर। ये चीज में थोड़ी जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है लिखने लिखने का, ये ज्यादा। और ये क्या दोस्तों, लॉस ऑफ वेट इन वाटर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझ लेना। W1 क्या है, W1 क्या है, बॉडी का वेट है जो एक्चुअल वेट है एयर में, और W2 कौन सा था, पानी में वेट, और लॉस कितना हुआ दोस्तों, W1 माइनस W2, क्लियर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, आंसर देना स्टार्ट करिए। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व एक ही चीज है। जल्दी से देखिए दोस्तों, आंसर देना स्टार्ट करिए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको पता है मैंने क्या फॉर्मूला बताया दोस्तों, डेंसिटी का W1 अपॉन W1 माइनस W2। W1 क्या होता है दोस्तों, हवा में बार, हवा में बार कितना है दोस्तों आपके पास 160 दे रखा है, और पानी में डूबने पर कितना हो गया दोस्तों 133, यानी W2 की वैल्यू कितनी हो गई 133। तो कितने का लॉस हुआ, 160 माइनस 133, तो 160 बटे 160 माइनस 133 आ जाएगा आपका 27, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.929 के आसपास आ जाएगा, 5.92, ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी के सारे क्वेश्चन मैंने मतलब एक क्वेश्चन करवा दिया, अब रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो बाकी होगा वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो देखते हैं पिछले का कितना याद है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा लेकिन एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आराम से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितनी गहराई पर देख गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह से आधा हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे डेप्थ में जाएंगे, जैसे डेप्थ में जाएंगे, जैसे गहराई में जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो, वो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान कम होता है। तो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता है मैंने लिखवाया था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी अपॉन आर। आर क्या है दोस्तों, यहां पर रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपके पास रिलेशन था, याद रहना चाहिए। जी डैश क्या है दोस्तों, जी डैश क्या है, डी गहराई पर कितना गुरुत्वीय त्वरण है, जी डैश क्या है दोस्तों, जी डैश क्या है, डी डेप्थ पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब आपने बोला ऐसी क्या गहराई ले, ऐसी क्या डी ले, ऐसी क्या डेप्थ ले तो ये आधा रह जाए पृथ्वी की सतह पर, तो ये जी क्या है पृथ्वी की सतह पर है, जी डैश क्या है डी गहराई पे, डी डेप्थ पे, तो ये कितना अपन को बोलना डी निकालना जिसपे आधा हो जाए। तो जब जब इसको जी बाय टू रखेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, जी से जी दोस्तों कैंसिल हो गया, इधर बचा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, तो यहां से डी अपॉन आर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2, क्लियर। तो डी क्या हो जाएगा आर बाय 2, आर की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है आपको, 6400 किलोमीटर दे रखी है, 6400/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3200 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, यदि आपकी पृथ्वी है, यदि दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है और इसकी पृथ्वी की रेडियस दे रखी है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी बॉडी इस जगह जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था, जो गुरुत्वीय त्वरण था दोस्तों, जी था। अब जैसे 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 चेंज होते जाओगे, अगर आर बाय टू पे आओगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, जो जी डैश हो जाएगा, इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, जी बाय टू। बताइए समझ में आया नहीं आया, क्लियर। तो 3200 इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये रहा।
जो बोल रहे हैं समझ में को नहीं आवे तो आप पहले, ये आज का पढ़ाया हुआ नहीं है, दो दिन पहले का पढ़ाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली मेरे को रिलेटिव डेंसिटी वाला आपके बुक में देने रखा था, लेकिन फिर क्योंकि डिप्लोमे हमें आता है और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप बायंसी एंड फ्लोटेशन मैंने पूरा आपको आर्किमिडीज का बता दिया दोस्तों, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, कैसे पानी का भार कम हो रहा है उसमें, तो सारी चीज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। कल मास वेट एंड डेंसिटी कल पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। यार खत्म तो देखो मैं दो दो दिन में कर दूं, लेकिन जब तक पूरा कंटेंट ही नहीं दे पाऊंगा फिर क्या मतलब आपको, तो सिलेबस से मेरे को भी ध्यान है, एग्जाम का परेशान मत होकर उनको लगता है कि यार मास वेट डेंसिटी भी पांच पांच दिन तक चला रहा है, लेकिन आप देख तो सही, देखो तो सही फ्रेंड्स ये सारे वो आपको रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते सब बता दिया मैंने, ठीक है। देखिए देखो क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कोई दो बॉडी है M1 और M2 है, ठीक है, इनके M1 और M2 है, इनके बीच में जो दोस्तों गुरुत्वीय आकर्षण बल होता है दोस्तों क्या होता है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या है इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये मान लो ये पहला फोर्स है, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, यदि इन दोनों का द्रव्यमान बढ़ा दे, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान बढ़ा दिया, इन दोनों को भारी कर दे, और जो दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, उनको आधा कर दिया, तो कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो एफ टू होगा वो क्या जगह जी एम वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू एम वन, क्योंकि डबल कर दिया, ठीक है, एम टू की जगह लिख सकता हूँ टू एम टू, ठीक है दोस्तों। आर स्क्वायर क्या है, आर के दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसको आधा कर दिया तो आर बाय टू कर दिया, और आर बाय टू का स्क्वायर दोस्तों, आर आर बाय टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर करेंगे तो पूरे का, तो आर स्क्वायर बाय फोर, तो आर स्क्वायर बाय दोस्तों फोर आ गया, ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर। तो एफ टू यहां से दोस्तों क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए इधर, एफ टू क्या हो जाएगा, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो सोलह जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों ये जी एम वन एम टू आर स्क्वायर आपको कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है, कहां से देखा देखा लग रहा है ये इसके, तो एफ टू क्या जाएगा दोस्तों 16 एफ वन, क्लियर दोस्तों। बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, ये नहीं बोल रहा कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, जो एफ टू है वो 16 गुना तो हो गया, लेकिन बड़ा कितने गुना, भाई पहले F1 था तो कितना बढ़ गया दोस्तों, 15 गुना बढ़ गया, हो 16 गया लेकिन बड़ा कितना भाई, एक तो पहले ही था, बड़ा कितने गुना, 15 गुना दोस्तों बढ़ गया, पहले F1 था, अब कितना हो गया, यदि इसमें 15 F1 कर दोगे, 15 F1 जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 F1, ये तो 15, ये पूछ रहा है, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है, कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना, ये ऐसे नहीं बोल रहा कितना गुना हो जाएगा, अगर ये पूछता कितना गुना हो जाएगा तो हम लोग सीधे लिख देते 16, ठीक है, कितना गुना बढ़ जाएगा का मतलब क्या दोस्तों, कितना गुना बढ़ जाएगा, अगर ये पूछता कितना गुना हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस है, आपको मैथ्स में आप जानते होंगे, मैथ्स आपने पढ़ी है बहुत बार, तो ये इसका 15 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है। मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट में आपको शाम को फिजिक्स की क्लास होती है, उसमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा मैं, उसमें करवा दूंगा, है ना, वैसे इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यार, वो पूरा उसका कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ मोशन का है वो, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है पूरा, करवा दूंगा मैं शाम वाली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स ट्रेड भरी है उनके लिए प्लस कोर्स आ चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में चेक कर सकते हैं, और फिजिक्स की क्लास आपको 3 बजे चल रही है, जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 3 बजे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।